बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलामुअलैका सैयदिया रसूलल्लाह वाला अलैका वअस्हाबिका सैयदिया हबीबल्लाह। आज दिल चाहा कि अपने तमाम दोस्त अहबाब इमरान महबूब नाथ कौंसल और उशा खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे मुलाकात कर लूँ। उम्मीद है आप अल्लाह पाक की बेपनाह अजीम रहमतों के सदक़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र अनायत के तुफैल बिल्कुल बखैरियत होंगे। अल्लाह पाक हमें इस सब्र करने पर हमें इस्तकामत अता फरमाए और अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह हमारी मुश्किलात आसान फरमाए। इस कोरोना वायरस से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम आलम इस्लाम और तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी पनाह में रखे और इससे हमें निजात अता फरमाए। इलाही अपनी रहमतों का नज़ूल अता फरमाए। रमज़ान मुबारक की आमद आमद है, आप सब साहिबान को बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक खैरियत से वक्त लाए और अपनी इस्तकामत से और अपनी रहमत से हमें रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक दे। या इलाहुल आलमीन अपनी रहमतों का सदका बिलखसूस अपने अपने हरम पाक हरम काबा हरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस और तमाम मसाजद की या इलाहुल आलमीन रौनकें बहाल फरमाए। अल्लाह पाक हमें बार बार हजूर के रोज़े पर जाना नसीब फरमाए। इलाही तू करम फरमा अपनी रहम के सदके बस हमें माफ़ फरमा दे। घर में बैठ के जितना हो सके दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार का वर्द किया जाए, दुरूद व सलाम की महफ़िल की जाए ताकि अल्लाह पाक की रहमतें हमें फिर से अपनी आगोश में ले लें। अल्लाह पाक हमें बस अपनी माफ़ी से सरफराज फरमाए। इलाही तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है मौला, बस माफ़ कर दे, माफ़ कर दे मेरे मौला, हम किसी आजमाइश के लायक नहीं। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह का सदका माफ़ फरमा दे, आपके नवासों का सदका माफ़ फरमा दे। या अल्लाह इस वबा से हमें निजात अता फरमा। या रसूल अल्लाह उनसुर हालना, या हबीब अल्लाह हिस्मा कालना, या रसूल अल्लाह उनसुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नी फी बखर गम में मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहलना अशकालना। या रसूल अल्लाह हम पर निगाह करम फरमा दीजिए, हम पर निगाह करम फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह उम्मत परेशान है, अपनी रहमत की निगाह कीजिए मेरे मौला, अपनी रहमतों से नवाजिए, अपने कदमों में फिर आना जाना नसीब फरमा दें। या रसूल अल्लाह निगाह करम हो जाए। या इलाहुल आलमीन तमाम उम्मत मुसलमा की या अल्लाह पर्दा पोशी फरमा के फिर से बहारे नसीब फरमा। इस सब्र पे इस लॉकडाउन पे हमें इस्तकामत अता फरमा, अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मेरा सब दोस्तों से दुआ की अपील है, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुशियां से खुशियां दे और अल्लाह पाक हमें सब को इस पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा मुझना चीज़ को भी। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, फिर से फिर वो बहारें फिर वो महफिल सजाना अपनी बारगाह में अल्लाह पाक मंजूरी दे दे और हम फिर से महफिल वो फिर सजाएं और हजूर के गीत गाते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।